दिवाली को लेके क्या कहेंगे आप, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे इसको? देखो, दिवाली बोले तो मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा त्यौहार है। और मेरा सबको एक रिक्वेस्ट है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ बोलने के, मेरे को इतना क्या सबको इतना नहीं मिलता है। ये जो फटाकड़ा फोड़ते हैं ना, और बहुत दुख और पीड़ा की बात है, क्यों फटाकड़ा से पूरा वातावरण खराब होता है, कितने जीव जंतु मरते हैं, कितने पक्षी तड़पते हैं। तो मैं फटाकड़ा पे इतना ही बोलता हूँ कि ये गरीबों में जो जिसको तकलीफ है, जिसके छोटे बच्चे हैं, जो गंगा स्वरूप बोलो तो बहनों, जो जिसका आदमी नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, बुजुर्ग है, उनको ये दिवाली के टाइम पे जो 5,000 का फटाका फोड़ते हैं या 2,000 का फोड़ते हैं, मैं बोलता हूँ उनको जाके इनको जाके ये देना चाहिए, तो उससे भगवान इतना खुश होएगा कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो पैसा गरीबों में जो देना चाहिए या अच्छे काम में देना चाहिए, गौशाला में देना चाहिए, और कोई जो सेवा है संस्था उसमें देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार है। और ये भगवान जो वनवास से वापस आए थे तो उसके लिए त्यौहार मनाया जाता है, तो बहुत बड़ा खुशी का त्यौहार है। मगर मेरा सबको रिक्वेस्ट है कि जो फटाकड़ा फोड़ने से कितना वातावरण खराब होता है, कहीं हाथ जल जाता है, और सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। जो फटाकड़ा जो कोई भी खतरे काम है आदमी नौकर को देता है, तो ये खुद ये चीज़ फोड़ते हैं। तो ये मैं बोलता हूँ क्या, ये चीज़ को बहिष्कार करना चाहिए, नहीं फोड़ना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। इसे मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ माफ़ी चाहता हूँ लोगों से। मैं हर धर्म को मानता हूँ, और मैं हिंदू होके बोलता हूँ कि ये फटाकड़ा मैं बोलता हूँ नहीं फोड़ना चाहिए, कि उससे कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो मेरा सबके रिक्वेस्ट है, सबको मैं शुभकामना देता हूँ, और इससे भगवान बहुत खुश होएगा। कि ज़्यादा ज़्यादा मैं बोलता हूँ दान करना चाहिए, ये जीवन का कोई मत, देखो पैसा है, मैं तो बोलता हूँ आदमी जितना अच्छे जगह वापरे वही महत्व, कितना पैसा कमा महत्व का नहीं है, आप कितनी जिंदगी जीते वो भी महत्व का नहीं है, आप समझ के थोड़ा जी लो वो महत्व का है, बाकी कितना भी उम्र कितना भी पैसा क्या मतलब है, शराबी में उड़ा दिया कहीं भी पैसा देखो रहने वाला नहीं है, ज़्यादा पैसा कुछ गलत जगह से आ गया तो वो गलत रास्ता पे जाएगा। तो कहने का मतलब है ज़्यादा ज़्यादा करना चाहिए, और ये त्यौहार में लोग अच्छी तरह से मनावे, आज सब तबलीग में है तो हर संस्था को मदद करना चाहिए त्यौहार में, तो उससे मैं बोलता हूँ भगवान ज़्यादा खुश होएगा। मेरा रिक्वेस्ट है, कोई मेरी बात का बुरा नहीं मानो, मैं आपका क्षमा चाहता हूँ।